हुए हैं उनका 11.82% ट्रांसपोर्ट जो है यातायात में इन्फ्लेशन 11.56 है, फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन 12.68% है और तेल से संबंधित वस्तुएं इन्फ्लेशन 34% है, 34.78%। इतना बढ़ता हुआ दर, और वो कब, जब हम पिछले दो वर्षों से कोविड से और कोविड पैंडेमिक से हम त्रस्त हैं। कितने लोग हम खो चुके हैं, कितने लोग तड़पते तड़पते हमको छोड़ के चले गए, इसलिए कि जो व्यवस्था बनी थी उसमें ना अस्पताल के बेड्स अवेलेबल थे और ना ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर अवेलेबल थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग भुक्तभोगी चारों तरफ आपको दिखते हैं और किसी की भी गाथा को आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सब कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, और ऐसा नहीं है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे घर के बारे में भी आप पूछें, परिवार के बारे में पूछें, तो हम सब इससे प्रभावित हुए हैं और लोगों को, अपने करीब के लोगों को खो बैठे हैं। तो इन्फ्लेशन को, हमेशा बढ़ती हुई दरों को, हमेशा एक लोकतंत्र में बहुत बहुत पैनी नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जैसी कि हमने पिछले दो वर्ष में देखी है, तो फिर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या, एक क्रूर समस्या बन जाती है, और उस समस्या का सामना करते हुए हमें कुछ दिख नहीं रहा। दो तीन विशेष इसमें मुद्दे हैं कि जो ईंधन का की कीमत है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, और जब मैं कहता हूं कि वो बढ़ रही हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि सरकार बढ़ा रही है, क्रूर सरकार है, जो दया जिसमें करुणा और दया कहीं देखने को नहीं मिलती, कि आज इनकी कीमतों को बढ़ाकर वो कितना अन्याय कर रहे हैं आम जनता पर। तो दिल्ली में तो पेट्रोल 100 रुपए से ज़्यादा बढ़ चुका है पर लीटर, और डीजल जो है वो 90 को छू रहा है पर लीटर। मुंबई में 106 हो गया है, 106 और 97 बम्बई में हो गया है। एलपीजी दिल्ली में 835 रुपये सिलेंडर है, आपको याद है, वो अभी तक वो आपको चित्र देखने को मिलते होंगे और आप उसको समय समय पर प्रकाशित करते हैं कि जब खाली सिलेंडर लेकर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सड़कों पर उतरते थे, तब क्या स्थिति थी, क्या खर्चा होता था एक सिलेंडर पर, और आज जब 835 सिलेंडर हो गया है, जो पटना में आपके पड़ोस में 933 पर पहुंचा है, हर जगह के आंकड़े आप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन ये एक सांकेतिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तब हो रहा है जब जो कच्चा तेल होता है वो करीब 75 यूएस डॉलर्स हर बैरल का है, 75 यूएस डॉलर्स का है, और जो कि यूपीए की सरकार के समय 125 यूएस डॉलर्स का था, और उस समय हम तेल 65 रुपए पर देते थे और डीजल 44 रुपए पर देते थे, और इसका एक ही मतलब है कि सरकार पैसे इकट्ठा करने के लिए लगातार सेस लगाती जा रही है और वो उसकी जेब में, सरकार की जेब में जा रहा है। अब सरकार ने हाथ उठा दिए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, अब सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो गरीब व्यक्ति पर ये बोझ डाल डाल कर, सेस बढ़ा बढ़ा कर, कीमतें बढ़ा बढ़ा कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से संबंधित, हालांकि इसमें जीएसटी नहीं है,
इसी से संबंधित जीएसटी की समस्या है, जो जीएसटी की साधारण समस्या है वो उस पर हम कई दफा उल्लेख कर चुके हैं। इसको क्या क्या कैसे कैसे हमने इसका विवरण किया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।